गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, कैसे हैं आप सभी बच्चे? आशा करती हूँ आप सभी बच्चे अपने घर स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। हिंदी रीडर ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम हिंदी रीडर का पाठ 16 अंग विसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। ओके, विसर्ग कैसे लगाते हैं? ज़्यादातर ये विसर्ग बड़ी क्लासेस में आते हैं, संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं जो आप 6 क्लास से पढ़ेंगे, लेकिन इसमें कुछ विसर्ग ऐसे होते हैं जो हिंदी के शब्दों के साथ लगते हैं, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कीजिए, पाठ 16 विसर्ग। विसर्ग हम कैसे लगाते हैं? कोई भी शब्द लिखते हैं, जैसे हमने लिखा छः, इसमें किसकी साउंड आ रही है? ह की। किसकी आ रही है? ह की। जिस शब्द के पीछे ह की साउंड आई, जन्ह, छः में ह की साउंड आई तो हमने विसर्ग लगाया। जैसे लिखा छ, ह की साउंड के लिए हमने दो डॉट लगाए, इस दो डॉट को हम क्या कहते हैं? विसर्ग। ओके, नेक्स्ट पिक्चर है, बहुत सारे हैं, तो जन, जन्ह, ह की साउंड आई, ज लिखा, न लिखा और पीछे हमने विसर्ग लगाया तो क्या हुआ? जन्ह। नमः, हम पूजा प्रार्थना करते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, उसमें नमः आता है, नमः, ह की साउंड आई तो हमने म, न लिखा, म लिखा, म के पीछे दो डॉट लगाए जो किसका सिंबल है? विसर्ग का। किसका? विसर्ग का, तो हमने ऐसे नमः लिखा। ओके, न, म, ह, ह की साउंड के लिए हमने विसर्ग लगाया। ओके, सबको समझ आया? नेक्स्ट देखिए, प्रातः, प्रातःकाल मतलब सुबह हम उठते हैं तो हम कहते हैं ना प्रातः, प्रातः मतलब प्र, प्र पे आ की मात्रा, त और त पे विसर्ग, तो ये क्या हुआ? प्रातः। तप, तपस्या करते हैं हम तो हम कहते हैं तप, तप, त, प, प पे विसर्ग, तपह, क्या बन गया ये? तप, इसको बोलेंगे हम तप। इसमें साउंड किसकी आ रही है? ह की, तो हमने विसर्ग लगाया तप। ह, दुख, दुख, ह का साउंड आया तो द पे ऊ की मात्रा के बाद हमने क्या लगाया? विसर्ग लगाया और ख लिखा, तो हमने क्या लिखा? दुख, ख, दुख, दुख। बोल के देखिए, दुख के बाद ह की साउंड आएगी इसलिए हमने विसर्ग लगाया। ओके, विसर्ग की मात्रा वाले अक्षर कह, खह, गह, घह, चह, छह, जह, झह, टह, ठह, डह, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? ह की साउंड आ रही है इसलिए इसके अंदर टह, झह, पह, फह को मिलाते हुए चल रहे हैं और लिखते ठम में हम ह नहीं लिख के ह के रूप में विसर्ग लगाते हैं। जैसे तह, थह, दह, धह, नह, पह, फह, बह, ये सब क्या हुए? विसर्ग वाले अक्षर। ओके, तो हमने सारा ज्ञानी तक सारे हमने रीडिंग करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे विसर्ग की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे। छ के पीछे विसर्ग लगा, छ, ह, छ, पुनः, स्वतः, अंत, ह, अतः, अंत नहीं, अंत तब होता जब ऊपर न की साउंड में बिंदी आती तब अंत होता, ये अब क्या लिखा हुआ है? अतः, प्राय, ह, तपह, अंततः, आ गया ना बिंदी लगा हुआ तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? अंततः, इसमें किसकी साउंड आ रही है? न की, तो हमने ऊपर की तरफ बिंदी लगाई और अंततः। ओके, जनह, फलतः, दुस्साहस, दु, बोल के देखिए, धु, साहस, तो ह की साउंड आई, हमने विसर्ग दो के बाद लगाया। मूलतः, कौटिशः, सम्मवतः, अक्षरक्ष, निसहाय, अंतः करण, ह की साउंड आई, नि, ह की साउंड आई,
विसर्ग लगाया, संकोच, शने शने, ह की साउंड आ रही है लास्ट में तो हमने विसर्ग लगाया। ओके, अब हम पढ़ेंगे वाक्य। हम सब कल प्रातः मिलेंगे, शने शने आगे बढ़ो। अंततः सत्य की जीत होती है, किसकी जीत होती है? सत्य की। वह मूलतः भारतवासी है, दुख के दिन अधिक नहीं रहते। द के पीछे ह का साउंड आया तो हमने विसर्ग लगाया, दुख के दिन अधिक नहीं रहते। आपकी बात अक्षरश सत्य निकली। ये क्या हुए हमारे विसर्ग वाले वाक्य। अभ्यास प्रश्न सोचो और बताओ। विसर्ग की मात्रा के आपको 5 शब्द अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन लिखने हैं। ओके, सही उच्चारण कीजिए। अंतःकरण, निहि संकोच, शने शने, को टिश्नि सहाये। चेंज योर पेज। सही स्थान पर विसर्ग लगाइए। प्रातः, क्रमशः, नमः, छः, शने, फलतः, जनः, अतः, नी संतान, तो हम कहाँ लगाएंगे? नी के बाद। अंततः, प्रायः, पुनः। ये क्या हुए विसर्ग वाले शब्द। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। के दिन अधिक नहीं रहते, किसके दिन? दुख के दिन अधिक नहीं रहते। सत्य की जीत होती है, अंततः, अंत में सत्य की जीत होती है। हम विद्यालय जाते हैं, कब जाते हैं? प्रातः। हम प्रातः विद्यालय जाते हैं। ओके, रचनात्मक गतिविधियाँ। प्रातः काल के इस दृश्य में रंग भरिए। आपको इस पिक्चर में कलर करने हैं। डू इट योर सेल्फ इन योर बुक। ओके, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय ऑल ऑफ यू।